ठंड के मौसम में हरी मटर मिलती है, इससे आप कोई भी चीज़ बनाइए खाइए तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमको ये रेसिपी चाहिए, तो हमने आप लोगों के लिए ये रेसिपी बनाई है। और ये खाने में बहुत अच्छी होती है और सिंपल भी बन के तैयार भी हो जाती है, तो ये सबको अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगती है। और कमेंट में ये जरूर बताया करिए कि आप लोगों की कौन सी रेसिपी पसंद है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने आज आप लोगों के लिए क्या बनाया है? तो हमने ये गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है ताकि ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए। और इसमें हमने थोड़ी सी मूंगफली लिया है, तो इस मूंगफली को हम भूंज ले रहे हैं तेल में। तो आप चाहे रिफाइंड में बनाइए चाहे तेल में बनाइए, जिसमें आपको पसंद हो। तो हमने तेल में बनाया है क्योंकि ठंड में तेल से कोई भी चीज़ बनाइए खाइए तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, और हमारे यहाँ तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कम तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो हम जो है थोड़ा सा, आज हम आप लोगों ने कमेंट किया था तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैंने आप लोगों के लिए पोहा की रेसिपी ले आई है। और थोड़ी सी हमने मूंगफली भून के बाहर निकाल लिया, तो एक चम्मच हमने सरसों डाल दिया है, जिसे राई बोलते हैं, काली वाली। तो इसको थोड़ा सा हम चला दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से चिटक जाए। और अब ये चिटक गई है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग जीरा डाल दिया है, और जीरा भी अच्छे से चिटक जा रहा है। तो ये दो प्याज तीन काट लिया था हमने, और हरी मिर्च है, अब इसको हम भून ले रहे हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक। तो आप लोग ऐसे कमेंट किया करिए। तो एक चम्मच हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, दो तीन आलू हम काट के रख लिए थे उसको भी डाल दिया। अब इसको हम थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे कमेंट करके वीडियो बताया करिए जो आप लोग को चाहिए, मैं वीडियो वो डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो हमने मटर भी छील के रख लिया है एक कटोरी में, अब इसको हम एक कटोरी मटर भी डाल दे रहे हैं। तो मटर की सीजन है, अगर आप पोहा ना बनाइए और ना खाइए तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हर घर में बनता है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत सिंपल है, बहुत कम तेल में भी बना सकते हैं आप इसे। तो हमने अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, अब इसको हम भूंज ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको आलू फ्राई करके आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने बाहर नहीं निकाला है इसको। इसको स्टूडेंट भी बना खा सकते हैं, जैसे कमेंट करते हैं लोग कि हमको ये रेसिपी चाहिए तो हम उनके लिए बनाते हैं। अब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं, पक गया है थोड़ी देर भाप से। छोटी छोटी आलू काट लीजिए तो जल्दी से पक जाती है। तो हमने दो कटोरी पोहा लिया है, वो चिवड़ा इसे बोलते हैं, तो उसको हमने धुल के थाली में रख लिया था। अब इसको हम डाल दे रहे हैं। तो ये चिवड़ा जो है धुल के थोड़ी देर आप रख दीजिए तो ये भरहर हो जाता है, एकदम एक एक अलग हो जाता है, ताकि आराम से आप उसको कढ़ाई में जब डालिए तो एक एक करके चिवड़ा अलग से हो जाता है, और उसको आप चलाते रहिए तो चिपके गए भी नहीं। तो अब इसको हम अच्छे से भूंज ले रहे हैं, इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें हमने थोड़ी सी धनिया काट के रखा है, उसको भी डाल दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे कमेंट किया करिए जो आप लोग को रेसिपी चाहिए, तो हमने आप लोगों के कमेंट के अनुसार ये रेसिपी बनाई है, और बहुत कम तेल में, बहुत सिंपल है। तो अब इसको हम, ये देखिए एक बाउल लिया है उसमें हम डाल दे रहे हैं। इसमें आप जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। थोड़ी सी हमने वो फली भूंज के रख लिया है जो, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप इसमें चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने चीनी इसलिए नहीं डाला है कि हमारे यहाँ चीनी थोड़ा कम पसंद किया जाता है, तो हमने चीनी नहीं डाला है। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग चीनी थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग डाल लीजिएगा, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा चिवड़े का पोहा बन के तैयार हो गया है,
और कितना अच्छा कलर आया है। और ये खाने में बच्चे हों या बड़े हों, नाश्ते में आप बनाइए खाइए तो बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में आप लोग इसे ज़रूर बनाया करिए और बहुत सिंपल और कम तेल में। तो बनाइए खाइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।